हेलो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7 एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है, इसको हम लोग ECBC के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ECBC कब लागू हुआ। तो ECBC बेटा ये मई 2007 में लागू हुआ था। ठीक है, देखिए ECBC का क्या उद्देश्य है। तो ECBC ऊर्जा कुल डिजाइन और इमारतों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देश में कितने प्रदेशों में ECBC लागू है या लागू किया है। तो मई 2017 को 9 राज्य हो गए हैं। पहला कौन है, राजस्थान, दूसरा उड़ीसा है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, पुदुचेरी है। ECBC का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का शुभारंभ ऊर्जा मंत्रालय ने किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रथम ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को मई 2007 में जारी किया गया था। तब से अब तक केवल 12 राज्यों संघ शासित प्रदेश ने ही इसे अधिसूचित किया है। इस दशक बाद इस कोड को इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया और वे राज्य जिन्होंने इसके पिछले संस्करण को अपनाया इन नए मापदंडों का अनुपालन करने के लिए अपनी अधिसूचनाओं को संशोधित कर रहे हैं। ECBC में 100 किलोवाट के संयोजित लोड के साथ या 120 किलोवोल्ट एम्पियर और इससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक तय किए गए। ECBC ऊर्जा प्रदर्शन के मापदंडों को परिभाषित करता है और उस देश के जलवायु क्षेत्र को ध्यान में रखता है जहां भवन स्थित है। भवन के मुख्य घटक जो संहिता के माध्यम से संबोधित किए जाते हैं, एनवेलप यानी वाल रूफ्स विंडो, वाल रूफ्स यानी छत, विंडो माने खिड़की, वाल माने दीवार, लाइटिंग प्रणाली कैसी है, एवीएसी प्रणाली कैसी है, जल ताप और पंपिंग प्रणाली कैसी है, इलेक्ट्रिक विद्युत प्रणाली कैसी है। ठीक है, आप देखिए ऊर्जा दक्ष भवनों के बाजार को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने हैं तो ऊर्जा ब्यूरो ने भवनों को लिए स्वैच्छिक स्टार रेटिंग का विकास किया, ताकि जैसे नहीं होता है किसी चीज़ का जैसे हम लोग लुभावना करते हैं तो लोग उसको मतलब बहुत मानते हैं या उसमें अधिक से अधिक जनसंख्या में भाग लेते हैं। इसीलिए मतलब एक गवर्नमेंट ने क्या किया प्रोत्साहित करने के लिए कि वो हर घर को एक स्टार रेटिंग देने लगे कि आपका घर जो है स्टार है तो इसका मतलब ये होगा। तो सब लोग सोचने लगे हम भी कराएं हम भी कराएं, तो इस तरह जनसंख्या बढ़ने लगी ECBC की। तो जो इस भवन इसके क्षेत्रफल में किलोवाट वर्ग मीटर पर वर्ष में व्यक्त ऊर्जा उपयोग के संदर्भ में भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है। वर्तमान में भवनों की 4 श्रेणी हैं। इन दिनों उपयोग में होने वाले कार्यालय, BPO, शॉपिंग मॉल, अस्पताल के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम का विकास किया गया है और इन्हें वाणिज्यिक क्षेत्र में लगाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मई 2017 तक ECBC मापदंडों के 9 राज्य, जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, राजस्थान, उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया,
ठीक है, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अधिसूचित किया गया है। नई संहिता के अंतर्गत देश भर में नई व्यावसायिक इमारतों के निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को निर्धारित किया गया है। संहिता के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा को शामिल करने संबंधी प्रावधान एवं एयर कंडीशनर कंडीशनिंग सिस्टम हेतु आवश्यकता आदि को शामिल करने की पेशकश की गई। इसी बीसी को अपनाने में होने वाली देरी का परिणाम यह होगा कि 2030 तक ऊर्जा के उपयोग में 75% के कटौती के उद्देश्य को प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। इसी बीसी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त एक जानकारी के अनुसार इसी बीसी के सफल अनुपालन से जहां एक ओर 2023 30 तक लगभग 300 इकाइयों की ऊर्जा बचत होगी, वहीं दूसरी ओर एक वर्ष में 15 गीगावाट से अधिक ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। दूसरों शब्दों में इससे तकरीबन 35,000 करोड़ की बचत होगी, तो साथ ही 250 मिलियन टन का कार्बन ऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इसी बीसी को विद्युत मंत्रालय को तहत तैयार किया गया है। हालांकि इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के शहरी विकास विभाग के साथ नामित राज्य एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है। संहिता को अपनाने इसका कार्यान्वयन और प्रवर्तन करने में कई हितधारकों को शामिल किया गया है। इन सब में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साथ राज्य और स्थानीय समकक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि नवीन भवन निर्माणों में ऊर्जा संरक्षण हेतु सुझाव, यानी नया जब हम मकान बनवाएं तो उसमें कैसे हम ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं, सुझाव देने। भवन निर्माण का स्मार्ट डिजाइन, लागत प्रभावी शून्य शुद्ध घरों की शुरुआत स्मार्ट डिजाइन से होती है। डिजाइनों में वास्तुकारों बिल्डरों को ऊर्जा दक्षता में शामिल सभी चरणों में परिचित होना चाहिए। दूसरा क्या है, भवन निर्माण में ऊर्जा मॉडलिंग का ध्यान रख रखाव होना चाहिए। डिजाइन चरण के दौरान घर के ऊर्जा उपयोग का अनुमान ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके करना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लागत कम करते समय शुद्ध शून्य ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सुपर सील बिल्डिंग आवरण, इमारत के आवरण को सुपर सॉल करना एक सबसे अधिक लागत प्रभावी उपाय है, जो बिल्डरों को निम्न ऊर्जा घर के दक्षता में सुधार करने के लिए ले जा सकता है। वैसे तो सीलिंग दृष्टिकोण उपलब्ध है, हमें ऐसे दृष्टिकोण का चयन करना चाहिए जो हमारे जलवायु कौशल एवं बजट से मेल खाता हो। ठीक है, सुपर इंसुलेटेड बिल्डिंग आवरण, घर को एयर टाइट बनाने के बाद घर को सुपर इंसुलेटेड करना एक शून्य ऊर्जा पर बनाने की प्रभावशाली रणनीति हो सकती है। पानी गर्म करने हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग, शून्य घरों ऊर्जा में पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा बहुत बड़ा भाग व्यय होता है। पानी गर्म करने के लिए बिल्डिंगों में सौर हीटर का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही, सौर हीटर का प्रयोग होगा तो हमारी बिजली फिर बचेगी। सूरज तो रिन्यूएबल एनर्जी है। जो 6 पॉइंट है, क्या होना चाहिए, सौर टेम्परिंग के लिए सूर्य का प्रयोग, यानी सर्दियों में ऊर्जा की लागत कम करने के लिए हमें बिल्डिंग और घरों दक्षिणी खिड़की का प्रयोग करना चाहिए। यानी जाड़े के दिन में क्या होता है कि हमारा सूर्य जो होता है दक्षिणायन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जाड़े के दिनों में दक्षिणी खिड़की का प्रयोग करना चाहिए। इससे घर को गर्म करने में सूर्य की सहायता मिलेगी और ऊर्जा का उपयोग भी नहीं होगा। और यही खिड़की ग्रीष्म काल में ठंडी हवाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी। बिल्कुल सही है।
चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। मौजूदा इमारतों में ऊर्जा की बचत हेतु सुझाव लिखिए। मौजूदा इमारतों में ऊर्जा की बचत हेतु सुझाव निम्नलिखित है। संचालन एवं रख रखाव, नियमित रूप से बिल्डिंग की कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों को नियमित रूप से जांच कर लें। स्टार्टअप समय, पावर डाउन समय, उपकरण अनुक्रम अनुकूल कर लें। हीटिंग और कूलिंग उपकरण का मासिक ध्यान रख रखाव करें, यानी मंथली उसको देखते रहें। सभी पाइपिंग, डॉक्टिंग और छतरी के लिए उपकरणों को इंसुलेशन का निरीक्षण रखें। ठीक है, लाइट जब प्रयोग न हो या प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त हो तो लाइट बंद कर दें। इससे प्रकाश व्यवस्था में 10 से 40% का कम किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश का अधिकतम प्रयोग करें। प्रकाश व्यवस्था को कम करने के लिए रोशनदान एवं खिड़कियाँ खुली रखें। नियमित प्रकाश व्यवस्था रख रखाव कार्यक्रम लगा करें। ऑफिस के उपकरण, कार्यालय के कंप्यूटर पर पावर प्रबंधन फंक्शन सक्षम करें, जो स्वचालित रूप से मॉनिटरिंग का उपयोग नहीं होने पर स्लीप मोड में डाल दें। सभी प्रिंटर, कॉपी और फैक्स मशीन, स्क्रीनिंग एप्लीकेशन पर स्लीप मोड सेटिंग को सक्रिय कर देना चाहिए, ताकि वो निष्क्रिय होने पर स्वचालित रूप से स्लीप मोड में चले जाएं। हीटिंग व कूलिंग, किसी भी प्रकार के लीकेज की मरम्मत करें। संपीड़ित या प्रणालियों में दबाव को समायोजित करें। मौसमी बदलाव के लिए थर्मोस्टेट को समायोजित करें। सुनिश्चित कर लें कि वेंट के आगे कोई अवरोध नहीं है ना, यदि है अवरुद्ध है तो हवा वितरित करने के लिए 25% अधिक ऊर्जा व्यय होगी। अब देखते हैं संचार और शिक्षा में क्या क्या करना चाहिए। कर्मचारियों और भवनों में रहने वाले को शिक्षित करें। उनके व्यवहार, ऊर्जा उपयोग कैसे प्रभावित करें, ऊर्जा उपयोग लागत उद्देश्यों और कर्मचारी जिम्मेदारियों पर कर्मचारियों की बैठक आयोजित करें। ऊर्जा टीम का गठन करें और सभी विभागों में ऊर्जा दक्षता आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारियां सौंपें। अपने संगठन में ऊर्जा बचाने वाले कर्मचारियों को ऊर्जा कुशल व्यवहार से पुरस्कृत करें। थैंक यू क्लास, आपका ये 7 आपका खत्म हो गया। थैंक यू।